चित्त वृत्ति शिवम है। कथा शिव महापुराण को इस चमड़े के पर्स में रखने का प्रयास ना करें, शिव महापुराण को अपने हृदय रूपी पल्लू में बांधने का प्रयास करो, जिससे ये उस परमात्मा के दरवाजे तक साथ चले जाए। परमात्मा के द्वार तक साथ जाए। कथा करें, महाभीष ने एक गलती कर दी, सबने नेत्र नीचे झुका लिए जिस समय पर गंगा मैया का पल्लू सरका, सबने शीश झुका, पर केवल एक था जो मनुष्य की देह छोड़कर ब्रह्मलोक में निवास कर रहा था। राजा महाभीष, इसने माता का मुखाग्रविंद देखता रहा, नेत्रों से निहारता रहा। शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर संवाद कह रही है साहब। धर्म की जगह में जाइए, पुण्य की जगह पर जाइए, सत्कर्म में जाइए, कथा में जाइए, भजन में जाइए, पर निवेदन इतना है कि अपनी नेत्र रूपी इंद्री और वाणी रूपी इंद्री को थोड़ा सा संजो कर जाए, बहुत ध्यान दीजिएगा। धर्म को धंधा मत बनने देना, रामदेवरा रुणीचा श्याम जी, खाटू श्याम, सालासर वाला जी, जीण माता जी, रानी सती दादी जी, राजस्थान में बहुत सारे तीर्थ हैं और मध्य प्रदेश से ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, आसपास के सारे क्षेत्रों से दुनिया के लोग पैदल जाते हैं। आपने भी दर्शन करे होंगे, जितने लोग कथा सुन रहे हो आपने भी दर्शन करे होंगे। झंडा लिया चल दी, ध्वजा ली चल दी, कई लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कई लोग पैदल चलकर जा रहे हैं और अपनी बड़ी मस्ती में चले जा रहे हैं। मैं दंडवत करता हूं ऐसे जाने वालों को जो पैदल पैदल भगवान के दर्शन करने के लिए दिल से जा रहे हैं, पर उसमें भी कई लोग छल करना जानते, कई लोग ऐसे भी हैं जो वहां जाना नहीं चाहते परंतु उन्होंने झंडा उठाया चल दिए, उनने विचार करा, दो चार लोगों को साथ ले लेते हैं, पोटला पोटली बांध के जब चले